जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी पार्टी पे हमलावर है और राजद के साथ एक डील की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर डील क्या हुआ, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे और जेडीयू के बीच क्या डील हुआ। तेजस्वी ने कहा कि डील क्या हुआ होगा, बस इतनी सी बात हुई है कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने और भाजपा को भगाओ। इससे बड़ा अगर कुछ डील होता तो पहले नहीं होती और हम लोगों को बस एक ही मकसद है, भाजपा को भगाना। सीएम की समाधान यात्रा को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी को कुछ याद ताजा करवा देता हूँ। खगड़िया का ये वही जिला है जहां राजद के लोगों ने आपको भरपूर सुरक्षा के बावजूद मंच पे चढ़ने नहीं दिया था। यहां के समस्याओं का समाधान आपसे नहीं हो सका, आज भी यह जिला बदहाली में जी रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप किसी भी चीज़ का उपयोग सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। आपके शुरू से ही ये योजना रही है कि फूट डालो राज करो, लेकिन अब बिहार की जनता सब कुछ समझ चुकी है। उन्हें आज खगड़िया में लोगों को जवाब देना होगा, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी लोगों की नाराजगी को सहना होगा। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि यहाँ खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए विदेशी पर्यटक बिहार से दूसरे राज्य चले जाते हैं। बौद्ध महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा नींबू निचोड़ने से तीखा हो जाता है। बिहार में आने वाले पर्यटक बनारस, कोलकाता और झारखंड बॉर्डर पर जा रहे हैं क्योंकि उनके खाने पीने की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में पर्यटक आते हैं लेकिन यहाँ रुकते नहीं हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुले मंच पे डिबेट करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे हर एक मुद्दों पे चर्चा करने को तैयार हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा नेक्सस बन चुका है कि उसे कैसे तोड़े उनको पता नहीं। पीएम बनने की लालच में दूसरे राज्य के नेताओं से मिल रहे हैं लेकिन ये नहीं सीख रहे हैं कि बिहार का विकास कैसे करें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जीरो विजन के मुख्यमंत्री हैं। पटना विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। शुक्रवार की शाम प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र का नाम धीरज कुमार बताया जा रहा है, जो मूल रूप से जहानाबाद का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों का विसर्जन जुलूस निकला था। यह जुलूस जब दिनकर गोलंबर के पास पहुंचा तो छात्रों के बीच मौजूद असामाजिक तत्वों ने फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहा है कि आखिर विसर्जन जुलूस में मौजूद एसपी, डीएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी क्या कर रहे थे। भोजपुर में छापेमारी करने गए उत्पाद विभाग की टीम पे शराब माफिया ने हमला कर दिया, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 11 जवान जख्मी हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की टीम अवैध शराब को लेकर जगदीशपुर इलाके में छापेमारी करने गई और इसी दौरान शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पे हमला कर दिया। हमले में महिला सिपाही समेत उत्पाद विभाग के 11 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। खेलो इंडिया के लिए बिहार के 8 बच्चों का चयन किया गया है। ये बच्चे मध्य प्रदेश के मंडला में आयोजित होने वाले यूथ गेम्स में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बच्चे सुबह और शाम लगातार पसीना बहा रहे हैं, जिसमें बिहार को गटका खेलो के लिए मेडल मिल सके, लेकिन इन खिलाड़ियों को ग्राउंड की परेशानियों से जूझना पड़ता है। खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ियों ने सरकार से ग्राउंड मुहैया कराने की मांग की ताकि खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकें।